नमस्कार मित्रों, जय माँ सरस्वती। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप सब लोग होंगे। और आज मैं पुनः आपसे बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में जो स्टैनो की वैकेंसियाँ आई थी उस स्टैनो के बारे में। चूंकि आज इसकी पहले बैच की और सेकंड बैच की हो गई है, थर्ड बैच कुछ ही समय में छूटने वाला है। और आज 23 नवंबर को स्किल हुई है, कल 24 नवंबर में भी स्किल है। तो पहला तो ये था कि सबसे ज़्यादा बच्चे कल भी फ़ोन करके पूछ रहे थे, सर हमसे स्टैनो नहीं आती, हम ना जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आपसे स्टैनो नहीं आती है कोई परेशानी नहीं, आप ना जाएं। आप जानते हैं तो आप जाएं, पक्का जाएं। और मैटर के बारे में आप लोग कॉल कर रहे हैं, सर कैसा मैटर बोल रहा है? बच्चों से जो बातें हुई हैं वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो स्टैनो बहुत हल्की आई है, आपके भी कोई मिलने वाले हो तो आप बात करें उनसे, मैंने जो बात की है तो बहुत अच्छी स्किल आई है। महोदय वाला मैटर है, और महोदय वाले में सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसमें कहना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, ये शब्द लास्ट में दो तीन शब्द सेम आते हैं हर लाइन में, तो बहुत अच्छा मैटर है। जो ठाकुर तारे वाले बच्चों से मेरी बात हुई है, बहुत अच्छा वो लोग बता रहे हैं और कोई परेशानी नहीं आई है। हाँ, जिन लोगों की स्टैनो नहीं है उनको परेशानियाँ हैं, जैसे वो मैटर बोल ट्रायल जब बोल रहे हैं तो वो सबकी कॉपियाँ चेक कर रहे हैं कि बंदे ने मैटर लिखा है या नहीं लिखा है, और वो बहुत अच्छा है। वो मैटर पढ़वा के भी किसी से देख रहे हैं, जिस पे संदेह है उसको मैटर पढ़वा के देख रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहा है या उसने लिखा नहीं है तो वो उसको छुट्टी कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आप सब स्टैनो वालों के लिए बहुत अच्छा है कि वो ऐसे ही सभी एग्जामों में भी होता है। UP SSC के भी मैंने एग्जाम कही दिए स्टैनो वाले, तो उसमें भी देखिए ऐसा ही होता है, और रिपोर्टर वाले में भी यही होता है। सभी एग्जामों में जहां भी स्टैनो होती है वो लोग ट्रायल बोल के हर बच्चे की कॉपियां चेक कर लेते हैं कि इसने लिखा है कि नहीं लिखा है, और चेक करनी बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चीटिंग हो जाए बीच में, किसी से मैटर नहीं आता। मान लीजिए उससे 60 का ही मैटर आता है, या मान लीजिए उससे 40 का मैटर आता है और वो चीटिंग करके स्टैनो सेलेक्ट हो जाए, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई धांधली नहीं है। एक जॉब स्टैनो वाली में तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि कोई धांधलेबाजी नहीं होती स्किल में। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। जो बच्चे घबरा रहे थे बहुत भारी मैटर आएगा, और मैं बताऊं ठाकुरदारा में भी मेरे कुछ दोस्त जो सेंटर चलाते हैं वो लोग भी बड़ा भारी भारी मैटर बोल रहे थे, कहीं जीवनी बोल रहे थे और कोई कुछ बोल रहा था। मैंने पहले से ही कह दिया था सिर्फ महोदय बोलेगा और महोदय ही बोल रहा है। हाँ, करंट की कुछ बातें आ रही हैं, वो आपकी समीक्षा में कवर हो गई है, आपने समीक्षा का मैटर लिखा है वो सारी कवर है, और निमन सरोज थोड़ी थोड़ी ठाकुरदारे की सबकी पक्की होती है, और महोदय तो ठाकुरदारे वालों का बिल्कुल हलवा होता है। और मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, एक मेरे भाई अभी कल मुझे मैसेज कर रहे थे यूट्यूब पे कि सर हम इलाहाबाद से आपको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रणाम करता हूँ इलाहाबाद वालों को भी। और ऐसा नहीं है इलाहाबाद में स्टैनो नहीं है, हमारे गुरुजी भी सीख के आए थे तो इलाहाबाद से सीख के आए थे, और बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल सारे सेलेक्ट होने वाले हो स्टैनो में, और जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। और शुभकामनाएं हैं मेरी, कोई भी बच्चा स्टैनो देने कल जो जा रहे हैं बिल्कुल भी ना घबराएं कि कैसी स्टैनो होगी। आप फोन भी ना करें, पूरी नींद लें, सेंटर पे जाएं, और जिनका सुबह सुबह है मॉर्निंग में वो लोग अपने हाथों को थोड़ा गर्म रखेंगे ताकि ठंड ना लगे। और मैटर बनाते समय ये भी ध्यान रखें, आप जब लिखें तो आप कोई ऐसा तंग कपड़ा ना पहने, जैसे जर्सी बहुत टाइट वाली पहन ली तो उसमें हाथ मूव करने में थोड़ा परेशानी आएगी। और पेंसिल में कहीं कहीं सेंटर पे ये सुनना मिला है कि पेंसिल वो बाहरी ले रहे हैं, अंदर अपनी दे रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी रबड़ आप लेके जाएं। और हिंदी में आप बिल्कुल ना लिखें, कोई एक दो शब्द यदि लिख भी लिया है तो उसको बाद में मिटा के आए हिंदी से। और मैटर पढ़ते समय जो शब्द पे आपको लगे कि मैं ये बाद में पढ़ा नहीं जाएगा मुझसे, उसकी थोड़ी सी हिंदी आप लिख लेना संकेत के रूप में, ठीक। और दूसरी चीज मैंने अपने बच्चों को भी बताई थी, आप लोग भी सुन लें कि यदि मैटर बनाते समय कोई शब्द आपसे ना उठे, वो शब्द आपसे नहीं उठता है तो आप उसको गोल कर दें पेंसिल से, ताकि जब सारा मैटर आप बना लें तो आप लौट के उस पर आ जाएं। अब टाइपिंग में भी क्या करें, टाइपिंग में भी आप उस शब्द को थोड़े से स्पेस वहां पे छोड़ दें, कोई ऐसा क्लू छोड़ दें आपको पता रहे कि यहाँ पे कोई शब्द मेरा छूट गया था। जब आप मैटर बना लेंगे तब आप रिचेक जब उस मैटर को करेंगे तो आप उसमें देख लें कितनी परेशान, मतलब कहाँ पे आपके शब्द छूटे थे। जब आप रिचेक करेंगे तो 99% या पूरा 100% वो उठ जाएगा, कोई आपका जो भी शब्द होगा वो उठ जाएगा, आप परेशान ना हो। बहुत अच्छा मैटर है और सुनहरा अवसर तो आप लोगों के लिए है ही, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। पुनः मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और अपना अपने माँ बापों का आप बिल्कुल नाम रोशन करें,
धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।